तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पार्ट टू है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का। तो आज हम अपने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ टूल के बारे में जानेंगे, उसके बाद सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो आपके इंपॉर्टेंट एंगल्स बनते हैं आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में और उनकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपके एग्जाम्स में आती हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ टूल, हमारे टूल टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एक ऐसा टूल जिसमें कि कटिंग करने के लिए एज कैसी होती है, सिंगल, यानी इसमें सिंगल एज होती है कटिंग के लिए। ऐसे टूल को हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। उसके बाद इसका अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? तो देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे टर्निंग टूल जो आपका होता है वो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका सेपर टूल भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है, सेपर टूल। उसके बाद आपका जो थ्रेड कटिंग टूल होता है वो भी आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो ये थे आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एग्जाम्पल, ठीक है। ये इसका जो पूरा प्रॉपर जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट्स अपने डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है, अब आपका बात करें तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की बात करते हैं, ठीक है। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, आपको जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या होगा, मल्टीपल एजेस होंगी, उसमें सिंगल एज नहीं होगी। कैसी होगी? मल्टीपल एजेस, ठीक। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, जैसे कि आपका मिलिंग कटर जो होता है वो आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल है। जैसे कि आपका गियर हॉबिंग कटर होता है वो भी आपका क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल आपका है, जैसे आप ग्राइंडर देखा होगा तो ग्राइंडर भी आपका उसमें मल्टीपल एजेस होती है ना, आपकी हेक्सा, आपने वर्कशॉप में इससे काम किया होगा हेक्सा से, वो भी आपका एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, उसमें मल्टीपल एजेस होती हैं। आपका जैसे ड्रिलिंग टूल है वो भी आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। आपका जैसे ब्रॉच है, ये सारे एग्जाम्पल आपके क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, आपका 3D डाइग्राम है एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। इसमें हम जो भी नोमेनक्लेचर देखेंगे उसकी आपकी डेफिनेशन कभी कभी देते हैं और फिर ऑप्शन में देते हैं कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, तो विथ डेफिनेशन हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैंक। तो देखिए, जब भी आपका टूल होल्ड होता है क्लैंप में तो उसमें कौन सा पार्ट आपका जाता है, सैंक जाता है। तो आप इसको बोल सकते हो सैंक जो होता है, सैंक इज द मेन बॉडी ऑफ द टूल, ओके। उसके बाद हम सेकेंड जो डिफाइन करेंगे वो है फेस। तो फेस क्या होता है, जब आपकी कटिंग होती है तो जो आपकी चिप का फॉर्मेशन होता है तो चिप आपकी फेस से ही स्लाइड होके साइड वैक एंगल की हेल्प से स्मूथली आपकी बाहर निकलती जाती है। तो फेस को आप डिफाइन कर सकते हो कि इट इज़ द सरफेस ऑन विच द चिप स्लाइड, जहाँ पर आपकी चिप स्लाइड होती है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, फेस, ओके। उसके बाद ये आपका जो फेस के एकदम सरफेस के जो नीचे होता है, और ये बिल्कुल एंड कटिंग एज, जो आपकी कटिंग एज है उससे क्या होता है, बिल्कुल सट के होता है, उसे हम बोलते हैं फ्लैंक। तो फ्लैंक को आप क्या डेफिनेशन दे सकते हो कि इट इज बिलो द फेस एंड एडजेसेंट टू द कटिंग एज, ठीक है। तो ये आपकी हो गई फ्लैंक की डेफिनेशन। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टर्म है वो आपकी नोज, ये आपका जो यहाँ पे होता है ये क्या होती है, आपकी नोज होती है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, आप इसे कैसे बोल सकते हो कि देखिए, ये आपका साइड कटिंग एज है, ये आपका एंड कटिंग एज है, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोज। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, तो आप बोल सकते हो कि इट इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज, उसे आप क्या बोलते हो, नोज बोलते हो। उसके बाद अब यहाँ पे ये तो था केवल आपके नॉलेज के लिए, ये आपकी कभी भी नहीं पूछी जाती है एग्जाम में। एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है कि वैक एंगल, लिप एंगल, आपका क्लियरेंस एंगल, तो इनकी डेफिनेशन देखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका टूल सैंक। सैंक से जैसे ही आप बढ़ोगे तो यहाँ पे आपका एक
इस तरह का शेप होता है, इसे आप क्या बोलते हो, रैक एंगल यानी साइड रैक एंगल, और यहाँ पर आपका जो रैक एंगल होता है वो होता है आपका बैक रैक एंगल। तो अगर रैक एंगल की डेफिनेशन आप करना चाहो तो कैसे बोलोगे कि इट इज़ द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड द लाइन पैरेलल टू द बेस ऑफ द टूल। ठीक है, तो देखिए ये एंगल किसके किसके बीच में होता है, एक तो आपका फेस और एक ऐसी लाइन जो कि आपके टूल के बेस के पैरेलल है। तो इसका आपको डेफिनेशन समझ में आ गई ना कि इट इज़ द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड द लाइन पैरेलल टू द बेस ऑफ द टूल इज नोन एज द रैक एंगल। रैक एंगल दो तरह के होते हैं, साइड रैक एंगल एंड आपका क्या हो गया, बैक रैक एंगल। ठीक है, अब देखिए, अब साइड रैक एंगल और बैक रैक एंगल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि जो एक ऐसा एंगल जो कि आपकी बैक की तरफ इंक्लाइंड हो वो आपका बैक रैक एंगल हो जाएगा, और जो आपकी साइड की तरफ इंक्लाइंड हो वो आपका क्या हो जाएगा, साइड रैक एंगल हो जाएगा। तो आप इसे कैसे बोलोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप बोल सकते हो कि द एंगल बाय विच द फेस ऑफ द टूल इज इंक्लाइंड टुवर्ड बैक इज कॉल्ड बैक रैक एंगल, और सेम और बैक की जगह आप क्या कर दोगे, साइड, द एंगल विच इंक्लाइंड टुवर्ड साइड इज नोन एज द साइड रैक एंगल। तो ये आपके रैक एंगल की डेफिनेशन कवर हो गई। अच्छा, ये जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो सारी मैं उसमें अभी प्रॉपर नोट्स बना के अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से पूरी डेफिनेशन जब बार बार पढ़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। यानी उसके बाद अब आपका देखिए रिलीफ एंगल, अब आप रिलीफ एंगल की डेफिनेशन कैसे बनाओगे, ये है आपका रिलीफ एंगल। ये देखिए, ये आपका फ्लैंक जो है, ये आपका फ्लैंक, उसके बाद यहाँ से जो आपका एक ये राइट एंगल जो परपेंडिकुलर लाइन डाली गई है बेस में, उसी के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, साइड रिलीफ एंगल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज़ द एंगल बिटवीन द फ्लैंक एंड अ लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है, अब इसे हम प्रॉपर तरीके से बोलते हैं, आप कैसे बोलोगे, तो इट इज़ द एंगल बिटवीन द सर्फेस ऑफ द फ्लैंक बिलो द पॉइंट एंड द प्लेन एट राइट एंगल टू द सेंटर लाइन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टूल। देखिए, आपको डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये थोड़ा सा, अगर आपका ये थोड़ा सा भी फिगर आपके माइंड में है ना तो आप ऑप्शन तो ढूंढ ही लोगे कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो रिलीफ एंगल आप याद रखोगे कि ये फ्लैंक और आपकी फ्लैंक के पॉइंट से ही प्लेन से आपकी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है, उसके बीच के एंगल को आप क्या बोलते हो, रिलीफ एंगल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लिप एंगल की। तो लिप एंगल जो होता है वो आपके फेस और फ्लैंक के बीच में जो एंगल होता है वो आपका होता है लिप एंगल। अब देखिए, अगर हम इस फिगर का अगर हम साइड व्यू देखें तो साइड व्यू में आपका क्या दिखेगा, ये देखिए, ये कुछ आपका साइड व्यू में क्या चीज़ दिखेगी, ये वाला दिखेगा आपका साइड रैक एंगल और यहाँ इतना। तो अगर हम बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका ये, तो आपको क्या क्या दिखेगा, ये आपका साइड रैक एंगल दिखेगा आपको साइड व्यू में, और ये आपका क्या दिखेगा, आपका ये रिलीफ एंगल दिखेगा, साइड रिलीफ एंगल। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल बनता है फेस और फ्लैंक के बीच में, इसी को हम बोलते हैं लिप एंगल। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे। अच्छा, अब ये आपके सारे एंगल आपके डिफाइन हो गए। लिप एंगल की भी मैं एक बार डेफिनेशन बोल देती हूँ कि इट इज़ द एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड ग्राउंड एंड ऑफ द सर्फेस ऑफ फ्लैंक। तो आपको ये तीनों चीज़ें पता चल गई। ठीक है, अब आप कम से कम ऑप्शन आपको आएगा तो आप ऑप्शन में जब चार तरह के ऑप्शन आएंगे आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग गया कि किस तरह से डेफिनेशन बनी है। उसके बाद अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जो लिप एंगल है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 60 से 80 डिग्री होती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका रैक एंगल है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 10 से 15 डिग्री होती है। लेकिन अगर आप ब्रास की मशीनिंग करते हो, ब्रास की अगर आप मशीनिंग करते हो हाई स्पीड टूल से, तो उस टाइम में आपका एंगल कितना होता है, 0 होता है, काफ़ी पूछा जाता है, आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपका क्लियरेंस एंगल जो मैंने अभी बताया, क्लियरेंस एंगल बोल सकते हो या आप उसको रिलीफ एंगल भी बोल सकते हो। तो रिलीफ एंगल की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 3 से 5 डिग्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप तीनों चीज़ें याद रखोगे। तो अब यहाँ से आपका ख़त्म हो गया सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का पूरी डिटेल, उसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आई होप आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में।
तो चलिए, थैंक यू।